जय हिंद दोस्तों, आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को 1600 मीटर में रनिंग कैसे करना है और क्या आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और कैसा यारो रांची जो मोराबादी ग्राउंड है उसमें कैसा तैयारी है, किस तरह से सब कुछ बना हुआ है और कैसा सब कुछ तैयारी चल रहा है, कैसे आप लोग रनिंग करेंगे कि आपका रनिंग पास हो जाएंगे आप और कैसे आप आगे बैठ सकते हैं और कैसे आप लोगों का रनिंग होगा उल्टा होगा या सीधा होगा। आज जितना भी सवाल आता है बच्चों का उसको लेकर रिलेट करके एक पूरा वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश कीजिए पूरा वीडियो देखने का ताकि आप लोग सारा कुछ को समझ सके, कैसे आप लोगों को रनिंग करना है या फिर क्या करना है। जो नए बच्चे होंगे उन लोग सबसे ज़्यादा मेन इस वीडियो को एक बार दो बार तीन बार लगातार देखिए ताकि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाए कैसे क्या करना है। आइए सबसे पहले चलते हैं एंट्री गेट से स्टार्ट करेंगे कैसे आप लोगों का क्या करना है। ये टोटल डायग्राम है एक तरह से इंडियन आर्मी जो मोराबादी ग्राउंड में सेंटर जहां पे आप लोगों का भर्ती होता है वहां से ये मोराबादी ग्राउंड एलईडी ग्राउंड है जहां पे आप लोगों का एंट्री होगा। सबसे पहले बता दें कि बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या 1 बजे पहुंचना है, मतलब 1 बजे रनिंग होगा, तो ऐसा नहीं है। 1 बजे का रिपोर्टिंग है आपका, आपको 1 बजे पहुँचना है मोराबादी ग्राउंड। आप ऑलमोस्ट कोशिश कीजिए कि 12 बजे रात के 12 बजे या 12:30 बजे तक आप मोराबादी ग्राउंड में पहुंच जाइए, क्योंकि आप लोग के पहुंचने से पहले वहां लगभग 1000-1500 बच्चे पहुंच जाएंगे और वहां बैठने लगेंगे, मतलब लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे से एंट्री करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे। वहाँ बच्चे ये कन्फ्यूज़ ना हो कि 1 बजे ही रनिंग होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि 1 बजे क्या रनिंग होगा। नहीं, 1 बजे रनिंग नहीं होगा, 1 बजे से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। चलिए आज जानेंगे सब कुछ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर स्टार्ट होगा। जैसे आप लोग एंट्री करते हैं इस एरिया में आप लोगों का लाइन लगेगा मोराबादी एलईडी ग्राउंड। यहाँ पे स्टेज है, स्टेज के बगल में आप लोगों का लाइन लगेगा। यहाँ पे मेला लगा हुआ है, अभी मेला खाली हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों का एंट्री होगा। लाइन लगने के बाद में जिगजैग रास्ता है, यहाँ से आप लोगों को एडमिट कार्ड चेक करने के बाद में आप लोगों का एंट्री होगा। यहाँ पे बड़ा सा सेट लगा हुआ है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सेट बना हुआ है जहाँ पे आप लोगों को बैठना है अलग अलग तरह से। आप लोग जैसे जाते हैं आराम से लाइन बना के बैठ जाइए, लाइन बना के बैठने के लिए कहा जाएगा, लाइन बना के आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पे आप लोगों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ करना है। उसके बाद में पहला बैरिकेटिंग यहाँ से आप लोगों को घुसना है, इधर से यहाँ से घुमावन होते हुए यहाँ पे आप लोगों का एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होगा। एडमिट कार्ड वेरीफाई करने के बाद में आप लोगों का एडमिट कार्ड अगर वेरीफाई होता है तो आराम से आप आगे प्रोसीजर के लिए बढ़ जाइए जहाँ पे आप लोगों का हाइट चेक होगा। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे खड़े रहेंगे, वहाँ पे आप लोगों का फिर से वेरीफाई होगा। अगर आप गलती नहीं किए हैं तो किसी तरह का कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप आराम से वहाँ पे बैठे रहेंगे। उसके बाद में जैसे आप लोग यहाँ से पास करते हैं, ठीक यहाँ पे ये जो बॉर्डर है यहाँ पे आप लोगों का हाइट चेक होगा। एसटी वाले बच्चों का अलग हाइट चेक और जनरल ओबीसी और एससी वाले बच्चों का अलग से हाइट चेक। उसके बाद में जैसे ही आप लोग एंट्री करते हैं यहाँ पे आप लोगों को बैच नंबर दिया जाएगा। बैच नंबर मिलने के साथ में आप अपने बैच में जाके बैठेंगे, सभी बच्चे अपने बैच में जाके बैठेंगे। अलग अलग बैच बनाया हुआ रहेगा, इस बार इतना कन्फर्मेशन है कि 250 का बैच बनने वाला है, तो अलग अलग बैच में अलग अलग बच्चे जाके बैठेंगे। लगभग 250 का बैच बनेगा, तो अलग अलग बैच में जाके सभी लोग बैठेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर 1 बजे एंट्री हुआ है तो आधा 1 घंटा का प्रोसीजर इधर, मतलब 2 बज जाएगा, फिर आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे आप लोगों को बैच के अंदर में बैठाया जाएगा। बैच में बैठने के बाद में लगभग आप लोगों का ऑलमोस्ट 3 बजने वाला रहेगा, 3:30 के बाद में यहाँ से सभी बच्चे एक एक बैच का लाइन बना के इस ग्राउंड में घुसेंगे जहाँ पे आप लोगों का एंट्री होगा मोराबादी, जहाँ पे आप लोगों का यारो रांची का रनिंग होता है। यहाँ पे फिर से एक बैच बनेगा, बैच में अंदर से बैठाया जाएगा इस तरफ, अलग अलग बैच में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे बैच। यहाँ पे ज़्यादा बैच नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे लगभग 6 या 7 बैच रहेगा और बाकी बैच इधर रहेगा। जैसे जैसे इस बैच का रनिंग खत्म होते जाएगा उस तरफ से आप लोगों का बैच इधर आते जाएगा। जैसे आप यहाँ पे एंट्री करते हैं अभी मेन फैक्टर स्टार्ट होगा कि आप लोगों को रनिंग कैसे करना है या रनिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा उसके बारे में। यहाँ से आप लोग
बैच वन का स्टार्ट होता है, तो आप लोगों का जहाँ पे स्टेज बना हुआ होगा, यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, उसके जस्ट पीछे से लगभग 10 मीटर पीछे से आप लोगों का रनिंग स्टार्ट होगा। इतना कंफर्म है कि आप लोगों का रनिंग इस बार उल्टा स्टार्ट होने वाला है, इधर से आप लोगों का रनिंग होगा, इस एरिया से आप लोगों का रनिंग स्टार्ट होगा अगर बैच वन में है तो। अगर आप आगे बैठना चाहते हैं तो जब यहाँ से आप लोगों का बैच निकाला जाता है तभी कोशिश कीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत चलाकी दिखा के कि आगे जाने का, और आगे अगर इस सीक्वेंस में बैठाया जाता है, पहले पीछे का लाइन, आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, तो आगे जो जो सबसे पीछे लाइन रहेगा वो फर्स्ट लाइन हो जाता है, क्योंकि पीछे मुड गो होता है तो उसमें आप लोगों को आगे बढ़ने का या फिर सबसे आगे होने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों का रनिंग होगा 1600 मीटर, जिसमें चार चक्कर लगाएंगे आप लोग। चार चक्कर लगाने के बाद में जो बच्चे अगर पीछे हो जाते हैं तो इधर गेट है, इधर गेट है, या उधर भी गेट है, जो बीच में रिजेक्टेड पर्सन जो लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं, वो लोग को फिर रनिंग के बाद में इस रास्ता से होके बाहर निकाल दिया जाता है मोराबादी। अब यहाँ पे स्टार्ट है, जगर यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे स्टेज बनाया हुआ है वहीं पे रस्सी खिंचाएगा। रस्सी के जस्ट बगल में एक्सेलेंट का, और रस्सी के जस्ट एक्सेलेंट के बगल में गुड का खाना, मतलब एक तरह से रूम टाइप से बनाया हुआ है, बैरिकेटिंग का रूम बनाया हुआ है। वो अलग अलग रूम में कोशिश कीजिए आप लोग इधर ही घुसने का, इधर ही ताकत लगाइए और इधर ही घुसिए। सबसे ज़्यादा मेन है कि अब रनिंग कैसे करना है। जैसे ही आप लोगों को एंट्री कराया जाता है मोराबादी, जहाँ पे आप लोग 1600 मीटर का है, तो आराम से रिलैक्स माइंड, बहुत ज़्यादा बच्चे सोचने लगते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा, तो उस समय आप लोगों को एकदम रिलैक्स माइंड रहना है, किसी तरह का कोई सोचना नहीं है या डरना नहीं है, भीड़ को देख के नहीं डरना है या ग्राउंड को देख के नहीं डरना है, आराम से आप रिलैक्स रहिए। आराम से कोशिश कीजिए कि आपको लेग्स को दोनों को पैरेलल नहीं रखना है, ऐसे बैठने के लिए आप लोगों को बोला जाएगा मगर ऐसे नहीं बैठना है। कोशिश कीजिए दोनों पैर में से एक पैर को आगे पीछे रहेंगे, ताकि आप लोगों को जो फोर्स पैदा होगा रनिंग करने समय वो तुरंत में पिक कर सकते हैं, पहला। और दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप जितना जल्दी बैरिगेटिंग को पकड़ के रनिंग कर सकते हैं उस तरह से आप स्टार्ट कर दीजिए बैरिगेट को पकड़ने का। उसके बाद में जैसे ही 1600 मीटर आप लोगों का रनिंग खत्म होगा, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उससे पहले आप लोगों का बीम, जिगजैग या पुलअप, उसका सब कुछ का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में सारा कुछ खत्म होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप लोगों का जो मोराबादी ग्राउंड है बिरसा मुंडा स्टेडियम, उधर आप लोगों का स्टार्ट होगा इस तरफ। यहाँ से सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद में इधर आप लोगों का इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, इस बार चेंजिंग। सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि हो सकता है मे बी कि उल्टा या सीधा दोनों में से किसी भी दौड़ाए, मगर 99% चांस है कि उल्टा ही दौड़ाए, क्योंकि सबसे जो मेन फैक्टर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोराबादी जो यारो का ग्राउंड है, वो ये मेन फैक्टर है जिसके कारण से उल्टा दौड़ाना कंपलसरी है। इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा मिट्टी और कीचड़ हो गया है, अगर पानी आता है, पानी नहीं भी आता है तो इस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा ग्राउंड ख़राब है, जिसके कारण से इस तरफ से स्टार्टिंग कर पाना मुश्किल होगा आर्मी ऑफिसरों के लिए। तो इस तरफ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 300 मीटर का ग्राउंड ऑलमोस्ट अच्छा मिलता है, जिसके कारण से ये 100 मीटर कवर हो जाएगा। ये कारण है आप लोगों का उल्टा रनिंग कराने का। तो आप लोग जितना तरह का भी न्यूज़ देख रहे हैं, ये सारा कुछ आप लोगों को आरसी फिजिकल एकेडमी के चैनल पर लगातार मिलते रहा है। आप लोग लगातार आरसी फिजिकल एकेडमी में बने रहिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सारा न्यूज़ पता चले। जय हिंद, जय भारत।